27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी 50 वोट से ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं पाएगी। अब बड़ी तैयारी कर रहे हैं कि मिल्की बचाना है। सारे मंत्रियों को लगा दिया है, क्या मंत्री अपने घर से वोट का बोरा लेकर जाएंगे? उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव नजदीक हैं। राजनीतिक पार्टियां काफी जोरों शोरों से इसकी तैयारी करने में जुटी हैं। बीजेपी जहां सभी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है, वहीं नगीना के सांसद चंद्रशेखर भी प्रदेश की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का एक बड़ा बयान सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अवधेश प्रसाद ने जब से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या से हराया है, तब से वो लगातार योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ को 50 से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही अवधेश प्रसाद ने कहा है कि अभी तो बीजेपी को अयोध्या से साफ किया है, आने वाले समय में पूरे देश से साफ करेंगे। आप इस वीडियो में सुन सकते हैं कि अवधेश प्रसाद ने इसके साथ और क्या कुछ बोला है। कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ढिंढोरा पीटा था कि हमने मंदिर बनवाया था, हम राम को लाए हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा पाएगी। अखिलेश यादव जी का उनके पते देश और दुनिया के लोगों का यकीन और भरोसा बढ़ता जा रहा, और ये यकीन और भरोसा इतना बढ़ जाएगा कि 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी 50 वोट से ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं पाएगी और विपक्ष नहीं बना पाएगी। अभी आपने देखा इस देश में 13 चुनाव हुए, 13 में सफाया हो गया, केवल 2 सीट मिली, जानकारी है कि नहीं है? भाजपा को कई सीट मिली? अब बड़ी तैयारी कर रहे हैं कि मिल्की बचाना है। सारे मंत्रियों को लगा दिया है, क्या मंत्री अपने घर से वोट का बोरा लेकर जाएंगे? माने नेताजी से हम कहेंगे जब ये चुनाव मिल्कीपुर का हो जाएगा तो पूरे देश का हम दौरा करेंगे और इनकी कथनी और करनी हम बताएंगे। अभी तो इनका सफाया अयोध्या में किया है, सारे देश में इनका सफाया करके तभी हम चैन पर बैठेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उस पर मरहम लगाने के लिए उपचुनाव में सभी 10 सीटों को जीतने की तैयारी कर रही है। योगी ने इसके लिए 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई है, जिसका एकमात्र लक्ष्य होगा कि भाजपा को सभी 10 सीटों पर जीत दिलाना।